नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बारे में, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए, प्रतिभूतियों के में निवेश करने वाले लोगों के लिए संरक्षण के लिए सन 1992 में सेबी एक्ट 1992 बनाया गया। और ये अधिनियम भी अन्य अधिनियमों की तरह कुछ निर्धारित उद्देश्यों को लेकर बनाया गया, जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे लोग जो कि सिक्योरिटीज में, शेयर्स में और अदर सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया। यह अधिनियम सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के सेक्शन 1 के अनुसार ये अधिनियम 30 जनवरी 1992 से पूरे भारत में लागू होता है। और इस बोर्ड की स्थापना के बारे में सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। इस बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके बनाया गया है। इस बोर्ड की अपनी सार मुद्रा है, परपेचुअल सक्सेशन है, यानी शाश्वत उत्तराधिकार है, जो कि निरंतर इस संस्था को बनाए रखेगा। और यह जो है बोर्ड अपने नाम से चल या अचल सभी प्रकार की संपत्तियां रख सकता है। अनुबंध करने की शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत इस संस्था को, सेबी को प्रदान की गई है। और इस पर केस भी किया जा सकता है और ये किसी अन्य व्यक्ति पर भी केस कर सकता है। इसका हेड ऑफिस इंडिया में मुंबई में है और ये अपनी ब्रांचेस भी इंडिया के अन्य शहरों में खोल सकता है। तो भारत में प्रतिभूतियों के में निवेश करने वाले लोगों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 बनाया गया। इसके साथ ही इसके अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे प्रतिभूतियों के बाजार का स्वच्छ विकास करना, यानी कि उसका फेयर डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, इसके बारे में भी यह अधिनियम देखता है। और जो मध्यस्थ होते हैं, यानी कि प्रतिभूतियों को जारी करने वाले और प्रतिभूतियों को खरीदने वाले व्यक्तियों के बीच में जो मध्यस्थ होते हैं, जैसे दलाल हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, इन लोगों के लिए आचार संहिता बनाना, यानी कि एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना जिसके तहत ये सब लोग कार्य कर सकें। स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और मर्चेंट बैंकर्स की गतिविधियों को ऑब्जर्व करना, उस पर निगरानी रखने का कार्य भी सेबी के द्वारा किया जाना है। इस बोर्ड की एक प्रबंध समिति होती है, जिसका वर्णन इस अधिनियम की धारा 4 में किया गया है। प्रबंध समिति के जो सदस्य होते हैं, उनमें एक चेयरपर्सन होता है, सभापति, और दो सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के वित्तीय मामलों के जो मंत्रालय होते हैं उससे संबंध रखते हैं। एक सदस्य जो होता है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी होता है। और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इन 5 अन्य सदस्यों में से 3 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं और इस बोर्ड के प्रत्येक सदस्य की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। क्योंकि अब ये जो सेबी बोर्ड है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह वित्तीय मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया बोर्ड है। तो इसके जो सदस्य होंगे वो लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इन विषयों पर पेशेवर दक्षता रखने वाले लोग इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। और अगर अब बात करें इस बोर्ड के सदस्यों को हटाना, एक बार पद पर नियुक्ति दे देने के बाद उन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो सेक्शन 6, सेबी एक्ट की सेक्शन 6 में वर्णन है कि केंद्र सरकार, जिसने इस बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त किया था, वही इसके सदस्यों को उनके पद से हटा सकती है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाए और सक्षम न्यायालय ऐसा माने कि इस बोर्ड का कोई सदस्य अस्वस्थ मस्तिष्क का है, तो उसे भी पद से मुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार की नजर में कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी घोषित हो जाए, यानी कि नैतिक अक्षमता की श्रेणी में आए, तो उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसके पद का दुरुपयोग कर रहा हो या फिर उसका उस पद पर बने रहना सार्वजनिक हित में हानिकारक सिद्ध होता हो और केंद्र सरकार को ऐसा विश्वास हो जाए, तो वह उस व्यक्ति को इस बोर्ड के सदस्य से हटा सकती है। लेकिन किसी भी सदस्य को हटाने से पहले उसे एक बार सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। तो इस बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति और उन्हें हटाने का, नियुक्ति सेक्शन 4 में और उनको हटाने का सेक्शन 6 में प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 11, ये जो बोर्ड होगा
बोर्ड क्या क्या कार्य करेगा, यानी कि सेबी के द्वारा कार्य कौन कौन से किए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है बोर्ड के कर्तव्य। इस बोर्ड के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वो कर्तव्य कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मोटिव भी है कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगाते हैं, उनके हित किसी भी प्रकार से खतरे में ना पड़े, तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना बोर्ड का पहला कर्तव्य है।